क्यों अंकल? इसलिए कि कहीं तुम मेरे चेहरे पर शिकस्त की परछाइयां न देख लो। जिसकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब होते हैं वो शिकस्त और हार की बातें नहीं किया करते। मंजिल के साफ विजय पथ पर चलने वाला वो सिपाही देखता है जिसकी कमर में हथियार होता है, लड़की की कमजोर बाहें नहीं। प्यार के दो बोलों ने तुम्हारे कानों से चीखों की वो गूंज छीन ली जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दिया करती थी। तुम ये भूल गए जिसे तुम अपनी आंखों का उजाला समझ रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं। इस काले चश्मे के पीछे किसी मासूम बच्चे के लहू से जलते हुए चिराग हैं। तुम अपना कर्तव्य, बचपन में दिया हुआ वचन सब भूल गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने से पहले एक बार फिर तुमने अपना कवच खो दिया है करण। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक मासूम लड़की की रक्षा की, मैंने जिसकी रक्षा की उसकी इज्जत लुटने वाली थी, ठीक उसी तरह किस तरह हमारे खानदान की खुशियां लुट गई थी। बेशक मेरी अंधेरी आंखों में किसी मासूम के लहू से चलते हुए चिराग है जिस पर मैंने अपने वचन का काला चश्मा चढ़ा रखा है, लेकिन आज भी मेरी आत्मा दर्द और खौफ से डरी हुई और सहमी हुई और आवाजों से परिचित है। क्या मुझे किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेनी चाहिए? अगर आपकी शिक्षा में अध्याय से लड़ना था तो आपकी शिक्षा का दायरा इतना छोटा क्यों, जहां सिर्फ अपनों की आवाज सुनी जाती है और सिर्फ अपनों के खून का रंग ही पहचाना जाता है। बस करण, बस। खुदगर्जी ने मुझे और मेरे विश्वास को अंधा और कमजोर बना दिया था। अच्छा वो जो इस कमरे में अंधेरा है, वरना मैं अपनी नजरों से भी गिर जाता। ऐसा मत कहिए अंकल, आप ही तो मेरे लिए माता पिता गुरु हैं और गुरु मेरे लिए भगवान का रूप है। कसूर मेरा ही है जो मैं मंजिल और विजय पथ की बात तो कर गया, लेकिन अब तक मेरे ये हाथ तिलावर की कसर तक नहीं पहुंचे। आपके चरणों की सौगंध, आज से मैं अपना हर सुख हर खुशी भूलकर सिर्फ अपना मकसद याद रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने ये हाथ तिलावर के खून से रंग कर अपने गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा अदा करूंगा। बेटा,